रास्ता काफी भयानक टाइप का बना हुआ है यार, ऊपर से पत्थर पुत्थर ना आए। यहाँ पे पत्थर जो है वो भी धस रहे हैं नीचे को, जल्दी से पानी तक पहुंच जाए यार। भाई साहब ओए ध्यान से, थोड़ा सा दिख रहा है वहां पे भालू है। ओ भाई साहब देखो ये। हाँ भाई लड़कों, कैसी है अपनी YouTube फैमिली? तो अभी देख सकते हैं, फिलहाल तो मैं चंबा में हूँ और ये जो ट्रैक है काफ़ी खतरनाक होने वाला है गाइस। तो अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा ट्रैक है और कहाँ जाने वाला है, और बोर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है चंबा में, तो फिलहाल वो देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले नंबर पर है 84 महाराणा प्रताप खजियार और ये रोकोट टेम्पल, और दूसरी साइड से दिखाता है इस चमेरा लेक, थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा, और ये मणिमहेश भी देख सकते हो ट्रैक में, और ये छूंड लेक। तो हम आपको इस ट्रैक पर ले जाने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। ये है हमारी जो भी चंबा की ट्रैक है, जहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अभी तो हमारा टूरिज्म स्टार्ट ही होने वाला है मैक्सिमम, तो आपको इनमें से मैं एक जो टूरिज्म प्लेस है छकुंड लेक, वहाँ ले जाने वाला हूँ। उसके ग्लेशियर तक ले जाने की कोशिश करूँगा, ऊपर से ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा। और भी काफ़ी सारे ट्रैक हैं, और भी धीरे धीरे हम ब्लॉग में आपको एक्सप्लोर कराते रहेंगे। तो पहला जो है हम अपने छकुंड लेक को एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ ले कर चलते हैं आपको। सामान पैक करना, सामान भी कुछ हिसाब का कैरी करना पड़ता है गाइस। आप ग्लेशियर को माउंटेन पे चढ़ रहे हो तो आप उस हिसाब का सामान लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं उठा सकते, सिर्फ काम का ही सामान वही ले जाना पड़ता है। फिलहाल तो मैं हूँ चंबा। तो गाइस कभी आप चंबा आते हो और आप देखना चाहते हो कौन कौन से ट्रैक हैं, टेंपल के ट्रैक हो या माउंटेन के ट्रैक हो, तो ये चुगान के आपको लेफ्ट साइड में भी लगे हुए हैं, पीछे साइड में भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी ट्रैक कहाँ पर है। और हाँ भाई लड़को, गुड मॉर्निंग एंड सुबह हो चुकी है, और अभी निकलने वाला हूँ मैं अपने ट्रैक पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो सामान दिखाते हैं कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ ट्रैक पे, उसके बाद मैं आपसे और बात करता हूँ। तो ट्रैक का मैक्सिमम सामान जो है, ये ब्लैंकेट डाला मैं इस बैग में, और ये खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान, और मेन चीज़ ये है जो आप सेफ्टी पर्पज़ भी देख सकते हो, लकड़ी लकड़ी का जुगाड़ इसी से होगा। तो ये जो गद्दी गुद्दी वगैरह होते हैं सामान अपना ले जाने के लिए, यही वाला बैग यूज़ करते हैं, जो वाला मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा सामान है, चावल वगैरह, और ये थोड़ा सा ये बनाने वाला सामान। तो जब भी आप ट्रैक पे जाओ तो कोशिश करना कि थोड़ा कम सामान लेके जाओ, ज़रूरत का सामान लेके जाओ, क्योंकि पहाड़ों पे आपको चढ़ना होता है, तो काफ़ी कम सामान और काफ़ी हल्का सामान लेना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक कर पाओ। तो अभी फ़िलहाल तो घर में हूँ, फाइनली इतना बड़ा ट्रैक मैं लाइफ में अपना पहली बार कर रहा हूँ, और पहली बार ये एक्सपीरियंस रहने वाले हमारे की तीन बंदे और हैं मेरे साथ इस ट्रैक से, कि मैंने बताया मेरे ट्रैक में और भी बंदे हैं तीन बंदे, तो वो भी सामान ला रहे हैं, तो इसलिए मेरा सामान थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि ट्रैक काफ़ी बड़ा है और आप सोच रहे होंगे कि इतना कम सामान लेके जा रहे हैं। टेंट टूट वगैरह जो है वो रास्ते में जुगाड़ होगा, तो और बातें हम रास्ते में करते हैं, उनसे मिलते हैं, देखते हैं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो रास्ते में पता लगेगा आपको। जल्दी से शुरू करते हैं गाइस ट्रैक अपना, और जल्दी से चलते हैं। एंड यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, अब देखोगे आप ऊपर पहाड़ों का व्यू और पहाड़ों के मस्त मस्त लोकेशन। तो जल्दी से शुरू करते हैं, चलते हैं। हम इंटराम इधर, हेलो चाचू करी, चाचू चाचा, अच्छा छकुंड, हाँ श्वेत बोल, ये टेंट। सो गाइस सेकंड विलेज अभी हम पहुंच चुके हैं रूंठा, और यहां से ऊपर अभी एक ही विलेज है जो धार विलेज है, उसके ऊपर जंगल शुरू हो जाएगा, और यहां से देख सकते हो पूरा। काफ़ी ट्रैक कर लिया अभी हमने सुबह सुबह ही, और टेंट हमने यहां से लिया है। हेलो हेलो गाइस, सो गाइस अभी जो हम पहुंच चुके हैं धार विलेज, जो हमारे साव का लास्ट गाँव है, और यहाँ से ऊपर एक मंदिर भी है, वो भी दिखाते हैं थोड़ी देर में। और ये पीछे यहाँ की हरियाली और फूल देख सकते हो, सुबह के टाइम ये अभी खुले होते हैं, शाम के टाइम ये बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसा सीन होता है। अभी सुबह तो खुले हैं सारे फूल, और यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। और भी जो मेरे साथ लड़के हैं इस ट्रैक पे,
तो उनसे भी आपको मिलाते हैं और यहाँ का व्यू इंजॉय करो अभी। सो गाइस जो मेरे साथ अभी ट्रैक पे है इस ट्रैक पे, तो उनसे मिलाता हूँ कौन कौन है, तो आप मिल सकते हो अभी। तो ये हमारे बड़े भाई, माय नेम इज राकेश। आज हम ऊपर ट्रैक पे जा रहे हैं, आज बहुत दूर है, 48 किलोमीटर बहुत सफर है अभी। और ये अनिल शर्मा, एंड हम आज छोंडले को जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज अस्कर राजपूत, एंड यहां पे लोकेशन देख ही सकते हो, और मौज कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं। और हम हैं अभी बगीचे में जो धार विलेज का कंडा में है, और यहाँ से बस अब रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और निकल जाएंगे, क्योंकि जाना काफी दूर है अभी, तो जाने के लिए चलना पड़ता है। सो भाई बाकी सब तो निकल चुके हैं आगे, और ये आप ऊपर कंडा का जो है वो ग्राउंड देख पा रहे हो, और पीछे मंदिर भी देख पा रहे हो, तो बाकी लोग आगे निकल चुके हैं। जल्दी जल्दी से चलते हैं, मैं पानी भरने में लेट हो गया, तो उनको पकड़ते हैं जल्दी से। ऑलमोस्ट कंडा से हम 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं अभी, और भी ट्रैकर जो हैं हमारे साथ जुट चुके हैं, और टीम एक तो काफ़ी ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। सो भाई थोड़ी सी हालत बुरी हो गई है, और रेस्ट कर लिया, अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे लंच किया जाए, और ये अभी जो है खाना खुना सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। और सुबह कुछ ये महान जो हमारे ट्रैक करें खाना ही नहीं खाया था, और ट्रैक पे चले हुए हैं, और पोल तो इनकी खोलनी पड़ती है क्योंकि बुरी हालत हो गई है, तो खाना खाते हैं यहाँ से, फिर ट्रैक काफ़ी लंबा है। खाने में देख सकते हो हमारी जो देसी पहाड़ी सब्जी है वो है, और ये चपातियाँ वगैरह और भी काफ़ी कुछ है, तो मिलते हैं फिर ट्रैक पे। यार कुछ हलचल करो यार, इतने मतलब सुस्त जैसे छा गए। खाना खा लेते ना, उसके बाद बोलेंगे भाई, अभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सुबह खा लेना था ना भाई। और भाई ये रास्ता ऊपर को देख सकते हो, और यहाँ से जंगल टाइप का है। तो गाइस हालत देख सकते हो, काफ़ी पसीना पसीना हो रखे हैं, और ये है पहली थत जो प्लेन एरिया पूरा, और इससे बड़ी थत है आगे, तो आगे वाली थत दिखाता हूँ अभी आपको। बड़ी दूसरी थत, और ये भी काफ़ी प्लेन एरिया पूरा देख सकते हो, और छोटे से ट्रैक्टर वो भी दिख रहे हैं आगे आपको, और ये अपनी टीम जा रही है। भाई साहब ये इतनी बड़ी है, तो इससे आगे वाले जो प्लेन जगह है जिसका नाम है छकुंड लेक, तो वो इससे भी खतरनाक है, पूरा देख सकते हो यहाँ से। जी थत पे दूसरे ट्रैकर भी हमें मिल गए हैं, हेलो। तो इन्होंने भी अभी रेस्ट किया है, और प्लान सभी का आगे निकलने का है, थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है यहाँ पे। दूसरा प्लेन एरिया है जिसको बोलते हैं दूसरी थत, और अब दिखाते हैं सीधे छकुंड लेक। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं छकुंड लेक, और आप ये देख सकते हो वो झील दिख रही है सामने, और यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी है, जो यहाँ गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं, इस धार में भी रहते हैं, तो यहाँ पे भी उनके मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ पशु वगैरह जानवर है। और ये सामने देख सकते हो हमारे ट्रैकर, तो 2 टीमें बनी हुई हैं, एक हम हैं और एक और भी जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और ये पूरी झील का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से आप। पर हमें वो ऊपर धुंध जैसी हो रखी है, हमें वहाँ निकलना है ऊपर, उससे बड़ा प्ले ग्राउंड टाइप का है और प्लेन जगह है, और वो रही झील, और हमें जाना है वो ऊपर, धुंध जैसी बादल टच कर रहे हैं पहाड़ को, हमें यहाँ जाना है।
ऊपर आप देख पा रहे हो तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर ऊपर धुंध जैसी हो रखी है। मौसम आज इतना हमारा साथ नहीं दे रहा, शाम के टाइम देखेंगे कैसा मौसम रहता क्या नहीं। तो अब थोड़ा सा आगे से हम छकुंड लेक दिखाते हैं आपको यहाँ का क्या सीन है और कैसा है, फिर एडवेंचर शुरू करते हैं। बहुत हो गया ये नॉर्मल ब्लॉग, अब करेंगे कुछ खतरनाक सा, तभी मजा आएगा अपने ब्लॉग में, ऐसे तो क्या ही मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। जो थोड़े से हमारे पार्टनर वो ये हैं और ये हमारे चाचा श्री यहाँ पे, तो ये हमारे चाचा श्री अपना जोश दिखाएंगे आपको। ये जो इतना बड़ा पत्थर है ये उठाएंगे अभी चाचा जी। तो लेट्स गो, शुरू करो फिर अपना जो भी जलवाय दिखाओ। वो भाई हाथ लगाते ही हिला दिया क्या होते हैं, उठता है कि नहीं उठता है। तो ओ भाई साहब देखो यार, तो ऐसे ही मत समझना हमें कमजोर। यहाँ दिखाओ भाई अपना डोला डूला वगैरह, वो देख सकते हो पीस, और ये हिला दिया भी देख सकते हो पूरा। तो यहाँ पे हो रहा है रेस्ट और जो हमारे चाचा जी हैं वो आपको थोड़ा सा स्पीच देने वाले हैं इस वेदर के बारे में और धार के बारे में। इंजॉय करो। हाँ भाई लड़को, तो हमारी चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी देर हमने रेस्ट किया यहाँ पे और स्पीकर वगैरह बजा रखा है इन्होंने। तो यहाँ का मैं अभी आपको व्यू दिखा देता हूँ पूरा। तो ये पूरा आप देख सकते हो काफ़ी फूल हो रखे हैं यहाँ पे, और ये तो अभी शुरुआत है। ऊपर जाके घर होगा एडवेंचर शुरू, क्यों ऊपर पहाड़ शुरू होने वाले बड़े बड़े। तो ये तो प्लेन एरिया है अभी, तो अभी हमें चढ़ना है वो ऊपर दिख रहा है आपको, अगर आपको तो हमें वहां जाना है। सो गाइस, पीछे इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है और यहाँ पे अभी जो है डांस वगैरह चल रहा है पहाड़ी सॉन्ग पे, और देख सकते हो पीछे पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कब तक मौसम साफ होता है और फिर कब दिखा पाते हैं आपको। सो भाई देख सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी है यहाँ पे। तो यहाँ से हम ट्रैक करके आए हैं नीचे से और धुंध काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस, वो पार जो पहाड़ी दिख रही है आपको वो साइड लाइन में, वो जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे अभी भालू दिखा है हमें। तो अभी देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ पे भालू है और हमें तो कोई खतरे की बात नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, तो थोड़ा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी अपनी। और वहाँ पे भालू है अभी पार, हमें जो ये दूरबीन से हमने देखा है। तो ऊपर देख सकते हैं हमें कितना चढ़ना है अभी, और कैमरा ऊपर घुमाओ ब्रो, बहुत दूर है भाई। तो यार वहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई गाइस। तो फाइनली हम किसी के पास पहुंच चुके हैं और मौसम काफ़ी ख़राब है, नहीं तो हम दिखाते आसपास के पहाड़। और अभी जो है जो नाइस डे की लोकेशन पहली हम यहीं ढूंढेंगे कहीं, क्योंकि काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। और ये जो टॉप है ये आप ये देख पा रहे हो सबसे ऊंचा है, मतलब यहाँ से पूरे पहाड़ दिखते हैं आसपास के। तो ये साइन है उस चीज़ का, क्योंकि सब कुछ देख सकते हो यहाँ से आप। और यहाँ से जो आगे हम अभी ट्रैक शुरू करेंगे, कितना सा जा पाते हैं थोड़ा सा ही जाएंगे। और गाइस हालत काफ़ी ख़राब है, और ये अपने भाई इनको इनका भी हाल ख़राब है, और कैमरामैन का भी, और एक बंदा आगे रेस्ट कर रहा है।
ब्रो कितनी दूर है यहाँ से अभी? ब्रो वी हैव टू गो मिनिमम 2-3 किलोमीटर मोर। हाँ तो जस्ट 2-3 किलोमीटर हम जाएंगे। वो जो पहाड़ है ना ये धुंधा रखी है, नहीं तो पूरा देख सकते थे आप। तो यहाँ देखेंगे प्लेन सी जगह जो अच्छी हो नाइस स्टे के लिए, तो जहाँ से हम सनसेट वगैरह देख पाए, तो वहाँ हम टेंट लगा देंगे अपना। हम यहाँ अपना यहाँ मनीष भी दिखता है यहाँ से, और जब ये धुंध ठीक हो जाएगी ना तो मनीष भी दिखा सकते हैं हम यहाँ से, वो पहाड़ दिख जाएगा पूरा जहाँ पे मनीष है। यू विल सी मनीष, तो दिखाते हैं। देख सकते हो पीछे का पूरा सीन, जो वैली हमारी। आज हम सोच रहे हैं कि यहीं करते हैं नाइट स्टे, क्योंकि हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ट्रैक करने की हिम्मत नहीं है। कल सुबह देखेंगे अगर हम जा पाएँ ऊपर तो। और यहाँ से व्यू क्या ही दिखाऊँ, पूरी धुंधी हो रखी है। देखते हैं शाम के टाइम अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ का पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। अभी हम कुछ जगह देखते हैं जहाँ पर हम मतलब टेंट वेंट वगैरह सेट कर पाएँ, और मौसम तो काफ़ी मतलब धुंध वाला हो रखा है, तो क्या ही बोले यार, मौसम नहीं दे रहा हमारा साथ, आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा गाइड करेंगे जो आगे जो है, ये वो काफी ट्रैक करते रहते हैं यहाँ पे। तो तो गाइस देख सकते हो कुछ ट्रैकर हमारे जो ये जोत लगाएंगे ऊपर को, तो ये जो है भरमौर के जोत ऊपर वाले वहां पहुंचेंगे, और हमने सेट कर लिया ये लोकेशन, और हमें पानी मिलेगा वहां आगे, और लकड़ी का करते हैं प्रबंध और टेंट लगाते हैं यहां पे। मौसम अभी थोड़ा थोड़ा साथ दे रहा है हमारा, और ट्रैकर देख सकते हैं कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये हमारा पार्ट देख के मतलब फट गई पूरी, यहाँ हम जा ही नहीं पाएंगे अभी। और पानी यहाँ पे लग छूर ऐसी, तो जो हम यहाँ पे जो पानी के लिए जाएंगे, पानी का सोर्स है, तो वो नीचे वो ग्लेशियर देख पा रहे पूरा, आपको यहाँ भी लेके जाने वाले हम थोड़ी देर में। थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट कर लिया, और यार बादल तो हट नहीं रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो है हम टेंट उंट वगैरह लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, पानी भी लाना है और लकड़ी का भी प्रबंध करना और आग भी जलानी है। तो अभी प्लानिंग है कि पहले टेंट लगाते हैं, तो चलो देखते हैं कि टेंट हम कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। हमारा टेंट खोलो खोलो यार, जल्दी जल्दी करते हैं। कैसा लग रहा है फिर? और भाई साहब हमारा टेंट जो है वो लग चुका है, अभी अनिल शर्मा अंदर फीलिंग ले रहे हैं, और ये जो है सामान हमने सेट कर लिया, थोड़ी देर में अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और ये लोकेशन देख सकते हैं जहाँ पे हमने टेंट सेट किया, वो लोकेशन ये है ऊपर, वो ग्लेशियर दिख रहे हैं वहाँ आगे, ग्लेशियर में अभी अभी हम जाने वाले हैं। और ये देख सकते हो ऊपर से सन भी हमारा आज जो थोड़ी देर में साथ देना, इसने भी चालू कर दिया। सो गाइस वो है छोटा सा हमारा टेंट, और ये भी जा रहे हैं अभी हम पानी और लकड़ी लेने जा रहे हैं, और ये ऊपर का पहाड़ अभी तो अभी तक भी धुंध खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी देर पहले धुंध खत्म हुई थी। अब मैं जा रहा है ITX और वगैरह वगैरह जो है हमारे साथ वो निकल चुके हैं अभी। तो हवा काफ़ी ज़्यादा है गाइस यहाँ पे, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जो जैकेट जुकेट वगैरह लगानी पड़ गई हमें। तो ये जो आप देख पा रहे हो नीचे, इनको बोलते हैं शरणगढ़, जो ये आप पेड़ देख रहे हो इनके ऊपर फूल भी होते हैं। आप अभी इनसे हम लकड़ी निकालेंगे अभी, जिनसे हमारा खाना खुना वगैरह बनेगा, और काफ़ी सूख चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, ऐसे क्या हो सकता है, क्यों सूखे हैं पत्ते ये सारे। तो सीधे ग्लेशियर पे मिलाता हूँ मैं आपको, और ग्लेशियर भाई साहब पूरा मज़ा आने वाला आपको, और मैं अभी पहली बार आपको अपने इस चैनल पे ग्लेशियर को दिखाऊंगा, वहाँ से जो ग्लेशियर के नीचे से ठंडी भाप आएगी वो भी दिखाऊंगा, तो पूरा ग्लेशियर दिखाने की कोशिश करूँगी उसके ऊपर कैसे चला जाता है। तो अभी बर्फ़ मैक्सिमम गलने के रूटीन में होती है और कच्ची होती है, तो
ध्यान से चलना पड़ता है उसके ऊपर। ग्लेशियर के नजदीक हम अभी पहुंच चुके, देख सकते हो यार यहाँ पे धुंध हो रखी है और ग्लेशियर वो नीचे तक चला गया पूरा। तो अभी काफी दूर है हम इसके, तो नजदीक जाके दिखाते हैं यार, काफी भयानक सा मंजर लग रहा है। तो भाई कैसा लग रहा है इसको देख के? डरावना, डेंजर यार। और ये काफी एक्साइटेड हो चुके हैं आगे आगे जो जा रहे हैं लड़के। तो अभी एसके जो जा रहे हैं आगे आगे, वो ग्लेशियर को हम दूसरे वाले ग्लेशियर में देखेंगे पानी कहाँ पे है, तो हमें पार जाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे होता है पानी। एसके आराम से अगर यहाँ से गया ना तो वहां जाएगा नीचे, देख ले। ऐसे अगर रास्ता नहीं हो तो कुल्हाड़ी से ऐसे काट काट के इनको बनाना पड़ता है और फिर पाँव को टिकाया जाता है। एसके और यहाँ पे थोड़ा सा स्लीपी, ओ भाई गिर गया था वाही अभी। तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं बड़े वाले ग्लेशियर में और ये देख सकते हो ग्लेशियर से ऊपर से पत्थर पत्थर भी आते हैं यहाँ से, बहुत जोर जोर से गिरते हैं और वो नीचे चले जाते हैं और पानी की आवाज़ हमें वहाँ आगे सुनाई दे रही है। तो धुंध जैसी है, दिख नहीं रहा अभी। और ये ग्लेशियर जो होते हैं इसके नीचे टंडल टाइप की बनी होती है, ये गिर भी धस भी सकती है नीचे को, और आराम आराम से चलना पड़ेगा। और वहाँ पे एसके यार पानी कहाँ है, ये नीचे की तो नहीं साउंड सुनाई दे रही है? नहीं, तो पानी काफी ऊपर है और यहाँ पे जो है रास्ता काफी भयानक टाइप का बना हुआ है यार, ऊपर से पत्थर पत्थर ना आए और तो हम कर लेंगे मैनेज। और देखना ऊपर, यहाँ पे पत्थर जो है वो भी धस रहे हैं नीचे को, जल्दी से पानी तक पहुंच जाए यार। वो देख सकते हैं नीचे से भाई यार, अगर दिख रहा है आपको जो काफी खतरनाक सा माहौल हो रखे है। उस साइड बैठते हैं भाई, उस साइड आ जाओ, यानी तो फाइनली गाइस ये पानी, इतनी दूर वो ग्लेशियर के नीचे नहीं मिला, काफी ज्यादा बर्फ है, उसके नीचे से पानी निकालना बहुत खतरनाक सा टास्क है। और ये देख सकते हो ऊपर से आ रहा है पानी, मैं अभी देख सकते हो नीचे का, देखना ब्रो गिरना नहीं, रख दो यहाँ पे। उफ, हम नीचे से चढ़ के आए, वो नीचे ग्लेशियर दिख रहा है और यहाँ पे पानी पुनी भरते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि ये ग्लेशियर इतना बड़ा ग्लेशियर, तो ये विद्यांश रॉय वगैरह वगैरह इस ग्लेशियर को पार कर रहे हैं अभी। तो भाई देख के ध्यान से, ये देखो भाई आपने विद्यांश रॉय कितना 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 बड़ा डेंट पड़ा है भाई इसको देखो। और ये दो दो ये भी आ रहे हैं, ये दो भी है और ये बाबू लेके आया। तो भाई आप देख सकते हो इनको कि ये मरते मरते बचे विद्यांश रॉय वगैरह, तो ये पूछ लो इनसे, पूछ लो क्या क्या हुआ है। नीचे चला गया था मैं भाई वहाँ पे, वो ठीक नहीं होता ना, वो कट जाता था वहाँ पे, मेरा पैर फंस गया, नहीं तो भाई गया था, आज होगी थी ट्रैकिंग। और यहाँ पे अभी लकड़ी लकड़ी करते हैं, बच गए तो जल्दी जल्दी हम लकड़ी लेंगे, टेंट में आग जलाते हैं और आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। भाई तब डर तो नहीं लगा? जोर से बोलो। थोड़ा थोड़ा लगा था भाई, भाई आपको बहुत ही डर लगा था मुझे। चलो काटो काटो लकड़ी, जल्दी जल्दी काटो यार, धुंध काफी ज्यादा हो रही, ठंड लग रही है और हमें ऊपर जाना भी, भाई खींच दो। सो फाइनली गाइस हमें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और जो यहाँ पे हमने पूरा सिस्टम सेट कर दिया, अभी आग उग जला दी है और खाना बनाने का तैयारी के लिए। और ये टेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, पूरे हमने अंदर बैग बुक वगैरह रखे हुए हैं इस तरफ, और ये हमने पानी लाए थे हम पार ग्लेशियर से। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो ये सब्जी वगैरह कट चुकी है यहाँ पे, जो वहाँ पे तड़का डल जाएगा और पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और ये यहाँ पे हमने जो है ये लिफाफा लगा दिया क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हवा बज रही है और ये यहाँ पे आग अच्छे तरीके से लग नहीं रही थी और पूरा काम रहा है ऐसे। यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा, मज़ा आ रहा है, पर मज़ा आ रहा है ऐसे बोल सकते हो, पूरा मज़ा आ रहा है। पूरा व्यू देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट आग जली हुई है जो खाना बनने की तैयारी चल रही है, वहाँ पे थोड़े से फोटो फोटो भी ले रहे हैं। और ये इसमें अब हम तड़का वगैरह डालेंगे और
फिर हमारा चिकन हो जाएगा रेडी और खाने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी, और भाई तड़का डालो, जल गया वो, ब्लॉग बाद में बनाते हैं। भाई लोग फाइनली चिकन बनेगा आज, जहर घोल देंगे हम, अभी जो इसमें डलने वाला है वो प्याज और टमाटर। क्या पेस्टी बनाओगे भाई, हमारे शेफ साहब खूबसूरत। पहले देखो तो सही यार, देखो तो सही, क्या ही सीन है। और ये धार हमारी काफी अपने घर से कितने किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर, 48। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुकिंग के आगे सुबह 8 बजे चले थे हम, और यहाँ पे पहुँचे करीब से करीब कितने बजे, 4 बजे पहुँचे यहाँ पे, और रेस्ट किया हमने 1 घंटा। फिर उसके बाद ग्लेशियर में गए, पानी ग्लेशियर से लेके आए। और भाई साहब ओ माय गॉड, देख सकते हो इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है, ऐसे लग रहा है आज हम स्वर्ग में। वाह यार, कैसी वाइब है भाई, बताओ जरा, मत पूछ ऐसे, मतलब शरीर पूरा ऐसे कर रहा है उसको देख के, मतलब अभी चल गया थोड़ी देर के लिए था पर पूरा मजा दे दिया। तो अभी सुबह देखते हैं, अगर हमारा साथ दिया तो सन को भी आपको उदय होगा तो आपको दिखा देंगे। और खाना बनाते हैं यार अभी यहाँ पे, तो लगे हुए हैं अपने भाई साहब कुक। भाई साहब देख सकते हो कि ये टोमेटो इसमें डालेंगे हम, तो आप डालो भाई, इसमें डालो भाई, टोमेटो डाल चुके हैं हमारे। और अभी इसकी ग्रेवी बनेगी और जल्दी जल्दी तैयार करते हैं इसकी। ये देखिए पहाड़ों पे कुकिंग, भाई कैसा लग रहा है, मतलब पहली बार कर रहे हैं हम इतनी दूर आके। पहली बार कहाँ यार, पिछले तेरे ब्लॉग में वहाँ पे जो बनाया वो नजदीक था यार, ये कितने किलोमीटर है हम यहाँ ऊपर पहाड़ पे। और आग भी दिक्कत दे रही है थोड़ी, और हमने बचाने के लिए ये लगा दिया थोड़ा सा जुगाड़ टाइप का, देख सकते नहीं हमारा दिमाग, देख सकते हो दिमाग, देख चेक दिस पॉइंट। और सब कुछ भाई वो देखो पहले, आप वहाँ देखो, ओ माय गॉड, सनसेट देखो, ओ माय गॉड। सो गाइस, रात तो हो चुकी है अभी काफी, मतलब 8 बज चुके हैं, और एक गद्दी का डॉग आ गया है हमारे पास, वहाँ से आ रहे हैं कुछ लोग जो भेड़ बकरी के साथ होते हैं, तो उनका डॉग हमारे पास आ गया, वो वहाँ से आ रहे हैं अभी। रुक गया आज टेंट लाई था से, कल भी ऊपर हेडे चढ़ना से, और ब्लॉग ब्लॉग बना दे मेले, मतलब तुंदी बकरी ही नहीं कटी अबे, तुंदा इटा हूँ दूर दूर आ संजा राती तो भाई साहब ये देख सकते हैं हमारे गद्दी हैं जो काफी ऊपर से ट्रैक करके आए हैं अभी, तो यहाँ रेस्ट किया उन्होंने, हमारे पास रुके, काफी गप्पे वगैरह लड़ाई, और अभी ये जा रहे हैं काफी दूर, मतलब यहाँ से अभी आपको उतरना पड़ेगा तो कम से कम 20 किलोमीटर तो है, 20 किलोमीटर अभी उतरेंगे, तो अभी टाइम रखा है कम से कम 8 तो बज ही गए हैं। तो देख सकते हैं अभी इनके पास जो दो ये बकरियाँ भी हैं और एक इनका डॉग भी है, वो वहाँ पे देख सकते हो आप, अंधेरा काफ़ी है पर दिख नहीं रहा, तो काफ़ी दूर देख सकते हो गाइस, मतलब कितना स्ट्रगल करते हैं हमारे पहाड़ी लोग। तो ये जो भेड़ बकरी वाले हैं, भेड़ बकरी पालक हैं, तो अभी हमारे पास रेस्ट किया उन्होंने, तो थोड़ी देर में निकलेंगे ये अभी यहाँ से, वो तो जो हमारे एस के भाई से दूध मांग रहा है अभी, तो भाई दूध भी लाओ इसको। क्या भाई इसको कुछ दो खाने को, देख कितना मतलब प्यार से बोल रहा है। अभी जो है हमारा खाना हमें सर्व हो चुका है, हमने खाना बना लिया और आग भी जलाई है हमने यहाँ पे,
और ये अनिल शर्मा तो चिकन नहीं खाता है, और भी हमने बनाया तो वो मैगी मूगी वगैरह और आईडीएक्स वगैरह भी नहीं खाते हैं। अभी जो मैगी खा रहे हैं आधे, तो आधे चिकन खा रहे हैं। तो अभी वहाँ पे हमारा टेंट है और यहाँ पे हम खाना खाएंगे, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी खाना खा लेते हैं ना जल्दी से, खाना खा के मिलते हैं। यार अंधेरा हो रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है बिल्कुल ही, मतलब सब कुछ टाटा बाय बाय हो गया है। तो खाना खा लेते हैं, इतनी रात में मजा आ रहा है पर वैसे हमको। सो गाइस आग हमारी देख सकते हो बुझने वाली है, और टेंट तो हमने अभी सेट कर दिया पूरा, जो भी बिस्तर बुस्तर वगैरह वो लग चुके हैं। हेलो गाइस कैसे हो, और ये अंदर का व्यू देख सकते हो अभी, और अभी घुसता हूँ मैं भी यार, काफी ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे तो। और ये हमारा टेंट है, बाहर का व्यू देख पा रहे हो, पूरा ब्लैक ही ब्लैक हो रखा है यहाँ पे तो। और गाइस अभी हम सोने वाले हैं यहाँ पे, नाक रुक बंद हो रखा है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, टेम्परेचर गिर चुका है काफी ज्यादा। तो जल्दी से हम सोते हैं और मिलते हैं सुबह गाइस आपको एक नए ट्रैक पे, और इस वाले एपिसोड को यहाँ खत्म कर। कैसे लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए हेलो जी भाई, और ये जो है ये अपने इसको ठीक कर रहे, क्या बोलते हैं इसको भाई, और ये स्लीपिंग बैग लाए हैं अपना, ये घुस रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो कैसे घुस रहे हैं। आए हमें भी घुसा लो भाई प्लीज। और गाइस यही था आज का ट्रैक, काफी मजा किया, और कल होने वाला है एडवेंचर, तो आगे वाला ब्लॉग देखना बिल्कुल ही ना भूलना क्योंकि काफी एडवेंचर होने वाला है। यार मुझे बोलने दो, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, कुछ सुन भी लिया करो यार भाई, यार क्या बंदे यार। तो गाइस कल का जो एडवेंचर है ना काफी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। इस ब्लॉग को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो इस ट्रैक को, और अभी हम है धार में ऊपर, तो इसके ऊपर भी जाएंगे हम, जो काफी दूर है मतलब। तो मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ट्रैक में, टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।